हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में ऐसे पांच स्मॉल कैप्स के बारे में बात करेंगे जिन्होंने ईयर 2019 में आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है। इसका पार्ट टू आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इस वीडियो के बाद उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो बिना देरी के चलिए शुरू करते हैं। फॉर मल्टीबैगर स्टॉक्स रिकमेंडेशन, स्विंग मोमेंटम ट्रेड्स, स्टॉक पोर्टफोलियो क्रिएशन, कॉन्टैक्ट अस एट stockprotips@gmail.com। अगर आप हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यहाँ आपको इंट्राडे ट्रेड सेटअप के अलावा डेली मार्केट अपडेट्स, वैल्यू इन्वेस्टिंग, पर्सनल फिनेंस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और इंट्राडे और स्विंग ट्रेड रिलेटेड बहुत सारे स्ट्रेटेजीज मिल जाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इस रेड कलर के बटन को क्लिक करके, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। किसी भी स्मॉल कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको इन सब चीज़ों के बारे में जरूर जानना चाहिए। जैसे स्मॉल कैप स्टॉक्स यूजुअली हाई बीटा स्टॉक्स होते हैं, इस वजह से हमें इंट्राडे के दौरान इनमें मॉडरेट टू हाई लेवल का एक वोलेटिलिटी देखने को मिल जाता है। और इन सब स्टॉक्स में लिक्विडिटी लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स की तरह उतने हाई नहीं होते, इस वजह से कभी कभी आपको अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से आपको हमेशा लेस क्वांटिटी में इन सब स्मॉल कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट को करना चाहिए। अगर आप इन सब स्मॉल कैप स्टॉक में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अपना टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट का सिर्फ 15% तक ही इन सब स्मॉल कैप स्टॉक्स को एलोकेट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसमें से ज़्यादा अमाउंट स्मॉल कैप स्टॉक्स को एलोकेट करते हैं तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा नुकसान फेस करना पड़ सकता है। आज हमारे लिस्ट में जो पहला स्टॉक है वो है IOL केमिकल एंड फार्मा। ये एक केमिकल बनाने वाली स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1065 करोड़ है, और इसने लास्ट वन ईयर के टाइम फ्रेम में काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपको दिया हुआ है। इसने लास्ट वन ईयर के टाइम फ्रेम में आपको 163.29% का एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट करके दिया हुआ है, और इसने ईयर 2019 में अभी तक 13.37% का एक डिसेंट रिटर्न को आपको जनरेट करके दिया हुआ है। आगे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी एक सिग्निफिकेंट जंप को देख पाएंगे। इसने सितंबर क्वार्टर के मुकाबले दिसंबर क्वार्टर में 114.17% का नेट प्रॉफिट में एक ग्रोथ को शो किया है। इसके साथ साथ हम के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 10.57% के ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ पे आप इसके नेट प्रॉफिट में 834.55% का एक सिग्निफिकेंट राइज को देख पाएंगे, और आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 16.17% का एक शानदार ग्रोथ को देख सकते हैं। आगे अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसे लास्ट 5 ईयर के टाइम फ्रेम में एवरेज 22.15% पे देख सकते हैं, जो एक स्मॉल कैप कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। आगे अगर हम इसके वैल्यूएशन की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप इसे करेंटली वेरी एक्सपेंसिव देख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके पी रेशियो को चेक करते हैं तो ये इसके इंडस्ट्रियल पी रेशियो से काफ़ी नीचे है। इस वजह से हमें आगे आने वाले कुछ टाइम में इसमें प्राइस में ऐसी ही ग्रोथ देखने को मिल सकती है। हम इसके पी जी रेशियो को काफ़ी कम देख पा रहे हैं, इस वजह से इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट अच्छा होने की वजह से हमें इसमें से अभी भी एक मल्टीबैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। आगे अगर हम इसके रिसेंट टाइम फ्रेम में टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो इसने काफ़ी महीनों से अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर मूव करते हुए अपना क्लोजिंग दिया हुआ है, लेकिन लास्ट वन मंथ के टाइम फ्रेम में हम इसमें एक साइडवेज मूवमेंट को देख पा रहे हैं, जिस वजह से आप इसमें करंट सिनेरियो में अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर ये स्टॉक आपको इसके 100 डेज के ईएमए 175 के आसपास मिलने लगे, यानी कि 170 से लेके 180 के बीच में ये आपको अगर मिलने लगे तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं और इसमें से एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट कर सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो दूसरा स्टॉक है वो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम। ये एक इंडस्ट्रियल गैस और फ्यूल बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1123 करोड़ है, और इसने भी लास्ट वन ईयर के टाइम फ्रेम में 34.32% का एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट किया हुआ है, और इसने करेंट ईयर 2019 में अभी तक 7.49% के रिटर्न को जनरेट किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जा सकती है। अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके नेट प्रॉफिट में
क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 14.7% का एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इसके नेट सेल में भी 15.35% का एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देख सकते हैं। आगे अगर हम इसे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंसिडर करते हैं तो यहाँ आपको इसके नेट सेल में 91.28% का एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप इसके नेट प्रॉफिट में भी 162.31% के एक सिग्निफिकेंट राइज को देख सकते हैं। इस वजह से हमें आगे आने वाले कुछ महीनों तक इसमें ऐसे ही प्राइस में तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की ओर रुख करते हैं तो इसमें हम लास्ट 5 ईयर के टाइम फ्रेम में एवरेज 28.58% का एक ग्रोथ को देख पा रहे हैं, जो कि किसी भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए अच्छी मानी जा सकती है। आगे अगर हम इसके वैल्यूएशन की ओर रुख करते हैं तो ये करेंटली फेयरली वैल्यूड है और इसका जो पी चल रहा है वो 20.48 चल रहा है, जो कि आगे आने वाले कुछ दिनों में और ऊपर की ओर मूव कर सकता है। हम इसके पीजी रेशियो को काफी कम 0.1 पे देख सकते हैं। इस वजह से इसका जो नेक्स्ट कुछ सालों में प्राइस और ऊपर की ओर मूव कर सकता है उसके चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर हम इसके रिसेंट सिनेरियो में इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आपको एक साइडवेज मूवमेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन आप इसके लास्ट 3 वीक से जो प्राइस में मूवमेंट को देख पा रहे हैं वो आप अपसाइड में देख सकते हैं। इसने अपने क्रूशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रीच करते हुए ऊपर की ओर अपना क्लोजिंग देने लगा है और इसका जो नेक्स्ट टारगेट हो सकता है वो इसका 200 डेज का ईएमए 41.5 पे हो सकता है। अगर ये उसके ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना क्लोजिंग देने लगे तो यहाँ पे आपको इसमें एक प्राइस में ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है और आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि हम अभी भी इसके एमएसीडी इंडिकेटर में एक बुलिश मूवमेंट को देख पा रहे हैं जो कि अभी भी आगे भी कंटिन्यू रह सकता है। तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो तीसरा स्टॉक है वो है टेक्समैको रेल एंड इंजीनियरिंग। ये रेलवे इक्विपमेंट बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1423 करोड़ है और इसने ईयर 2019 में अभी तक 9.58% का एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट किया हुआ है। आगे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इसके नेट प्रॉफिट में 362% का एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 4.7% का एक ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेक करते हैं तो यहाँ पे भी आपको इसके नेट प्रॉफिट में 47% और इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 0.86% का एक ग्रोथ देखने को मिल जाएगा। इस वजह से हमें आगे आने वाले कुछ दिनों तक इसमें प्राइस में ऐसी ही तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की ओर रुख करते हैं तो वो उतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं तो इसमें भी हमें एक सुधार आगे देखने को मिल सकता है। आगे अगर हम इसके वैल्यूएशन को चेक करते हैं तो ये करेंटली फेयरली वैल्यूड है और इस वजह से हमें इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में करंट सिनेरियो में सोचना चाहिए। आगे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर करते हैं तो यहाँ पे आप इसके रिसेंट टाइम फ्रेम में लास्ट 1 मंथ में इसमें एक प्राइस में ब्रेकआउट फॉर्म होता हुआ देख सकते हैं। इसने अपने क्रूशियल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर क्लोजिंग देते हुए करंटली अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को ब्रिज कर लिया है। ये अभी सिर्फ अपने 200 डेज के ईएमए जो कि 165.68 है 165.68 है उसके जस्ट नीचे 64.95 पे अपना क्लोजिंग दिया हुआ है। अगर ये अपने 200 डेज के ईएमए के ऊपर कंसिस्टेंट बेसिस पे अपना क्लोजिंग देता है तो हमें फिर से इसमें प्राइस में ऐसी एक रैली देखने को मिल सकती है। करंटली हम इसके एमएसीडी इंडिकेटर में अभी भी एक बुलिश मूवमेंट को देख पा रहे हैं, जिस वजह से हमें इसमें ऐसी ही तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा गिरावट को वेट करना होगा। ये स्टॉक अगर आपको 60 के लेवल के आसपास मिलने लगे तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा जो फोर्थ स्टॉक है वो है TN न्यूज़प्रिंट। इसने ईयर 2019 में हमें इसमें एक गिरावट देखने को मिला हुआ है, लेकिन लास्ट 1 वीक में हमें इसमें 10.7% का एक सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला हुआ है। ये पेपर प्रोडक्ट्स बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप हम 1506 करोड़ पे देख सकते हैं। आगे अगर हम इसके
क्वार्टरली रिजल्ट को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी आप इसके नेट प्रॉफिट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 83.36% का एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ को देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप इसके नेट सेल में 17.4% का एक ग्रोथ को देख सकते हैं। अगर हम इसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप इसके नेट प्रॉफिट में 662% का एक ग्रोथ को देख सकते हैं और आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी 4.77% का एक सिग्निफिकेंट राइज को देख पा रहे हैं। इस वजह से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम इसमें टेक्निकल चार्ट को रुक करते हैं तो यहाँ पे आपको रिसेंट टाइम फ्रेम में इसमें एक सिग्निफिकेंट ड्रॉप देखने को मिल जाएगा, लेकिन लास्ट 5-6 ट्रेडिंग सेशन में हमें इसमें एक ट्रेंड रिवर्सल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके 9 डेज और 21 डेज के EMA में हमें एक बुलिश क्रॉसओवर देखने को मिल रहा है और इसके EMAs कन्वर्ज होने की वजह से हमें इसके स्टॉक के प्राइस में एक सिग्निफिकेंट राइज भी देखने को मिल रहा है। यहाँ हम इसके RSI लेवल पे एक सिग्निफिकेंट राइज को देख सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसके MACD इंडिकेटर में भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट को देख पा रहे हैं। इस वजह से आप करंट सिनेरियो में इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं और आपको जो लेवल्स को चेकआउट करना होगा वो इसका 50 डेज का EMA के जस्ट नीचे हो सकता है, तो आप इसमें उस लेवल के आसपास अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन नेक्स्ट 1-2 वीक के अंदर आप इसमें लगभग 234 से लेके 260 के लेवल्स के बीच में प्राइस मूवमेंट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा तेजी आनी बाकी है, तो आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। हमारे लिस्ट में जो 5th शेयर है वो है फेयरकेम स्पेशलिटी। ये केमिकल्स बनाने वाली एक स्मॉल कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 1715 करोड़ है। इसने लास्ट 1 ईयर में 13.28% का एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट किया हुआ है और इसने ईयर 2019 में अभी तक 17.49% का एक डिसेंट रिटर्न को जनरेट किया हुआ है। आगे अगर हम इसके क्वार्टरली रिजल्ट को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आप इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में 1124% का एक सिग्निफिकेंट जंप को देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 6.06% का एक सिग्निफिकेंट जंप को देख सकते हैं। अगर हम इसके ईयर ऑन ईयर डेटा को चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे भी आप इसके नेट प्रॉफिट में 554% का एक जंप को देख पा रहे हैं। इसके साथ साथ आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में 6.14% का एक ग्रोथ को देख सकते हैं। इस वजह से आगे आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशन तक हमें इसमें प्राइस में ऐसी ही तेजी देखने को मिल सकती है। अगर हम इसके सेल्स ग्रोथ की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लास्ट 5 ईयर में एक्सेप्शनली 71.5% के सेल्स ग्रोथ को पोस्ट किया हुआ है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस मानी जा सकती है। और अगर हम इसके वैल्यूएशन की ओर रुख करते हैं तो ये करेंटली अट्रैक्टिव देखी जा सकती है और इसका जो पी है ये अभी भी काफ़ी लो लेवल पे चल रहा है, जिस वजह से आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट बनाने के बारे में सोच सकते हैं। आगे अगर हम इसके टेक्निकल चार्ट की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पे आपको फरवरी के महीने से यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्राइस में राइज देखने को मिल जाएगा। करेंटली ये अपने सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर मूव कर रहा है और यहाँ पे आप इसके RSI लेवल्स को भी ओवरबोर्ड जोन पे काफ़ी दिनों से मूव करता हुआ देख सकते हैं। तो करेंट सिनेरियो में आप इसमें अपना एक छोटा सा स्विंग ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं और आपको जो लेवल्स को चेकआउट करना होगा वो इसका 9 डेज के EMA के आसपास होना चाहिए और आप इसमें 10% का एक टारगेट को लेते हुए अपना स्विंग ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।